हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाऊंगी रामपुर स्टाइल दही पुलाव की रेसिपी। अगर आप रामपुर से बिलोंग करते हैं तो आपने ज़रूर खाया होगा ये दही पुलाव। शादियों में बनने वाला बहुत ही फेमस पुलाव है ये। इसे हम लाल मिर्च की चटनी और लहसुन की चटनी के साथ खाएंगे, दही बूंदी के रायते के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है आपको। हमारे दही पुलाव की खासियत ये भी है कि ये सिर्फ गर्म मसालों से तैयार होता है, इसमें कोई भी पाउडर मसाले नहीं जाते हैं। तो देखिए मैं इसे कैसे बना रही हूँ। मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, आप इसकी जगह मटन और चिकन भी डाल सकते हैं। आधा कप सौंफ डालेंगे, आधा कप सूखा धनिया डालेंगे, दो प्याज डालेंगे, छोटी हैं इसलिए मैंने 3 ली हैं, 3 लाल मिर्च डालेंगे अच्छी, 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो 2 लहसुन अखे डाल सकते हैं पूरे साबित। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 लीटर पानी। पानी डालकर हम इसे 4 सीटी लगा देंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। मैंने 1 चम्मच भर के लिए हैं लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 6 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 तेज़पात का पत्ता, 1 नींबू, 15 से 20 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब मैं दही ले लूँगी। दही मैंने 1 कटोरी भर कर लिया है, आपको 1 कटोरी भर कर ही लेना है। 2 टेबल स्पून भर कर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1.5 चम्मच मैं नमक इस्तेमाल करूंगी। जायफल, जावित्री, दालचीनी, चक्री फूल को बारीक पाउडर बना लेना है। मिक्सी में पीस कर मैं बारीक कर लूंगी इसे। 1 किलो मैंने बासमती राइस लिया है। अब मैं यखनी को चेक कर लूंगी, 4 सीटी आ गई थी मेरे कुकर में। हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। गोश्त में चेक कर लूंगी, गोश्त हमारा हो गया है। अब मैं इसे अलग कर लूंगी, गोश्त को अलग कर लेंगे, यखनी को अलग कर लेंगे। गोश्त को हम एक बर्तन में अलग करेंगे, यखनी को हम किसी छलनी की मदद से छान लेंगे। गोश्त को मैंने अलग कर दिया है, यखनी को मैंने अलग बर्तन में कर दिया है। अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। एक बड़े बर्तन में मैंने तेल गर्म कर लिया था, उसमें मैं ऐड कर दूंगी हमारे 2 बड़े प्याज कटे हुए। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। 1 मिनट के लिए और भूनेंगे इसे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज, मैं गर्म मसाले ऐड कर दूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे आपको। ऐड कर देंगे, जैसे ही चटक जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हमें तब तक भूनना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल दूर नहीं हो जाती। चलाते हुए भूनेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 तेज़पात के पत्ते। भुन गया है हमारा अदरक लहसुन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त जो मैंने यखनी से अलग कर दिया था। गोश्त ऐड कर देंगे हम इस टाइम पे। ये वही लाल मिर्चें अच्छी जो मैंने यखनी में यूज़ करी थी। गोश्त डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। भून लिया है, अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च यूज़ करूंगी। दही डाल देंगे, बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुन गया है हमारा गोश्त दही मसालों के साथ में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी खुशबू का मसाला जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। जायफल, जावित्री, दालचीनी, चक्री फूल का मैंने पाउडर बना लिया था मिक्सर में। हमें इसे 1 चम्मच ऐड करना है, 1 चम्मच मैं बाद में यूज़ करूँगी। इसे मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, 1 टीस्पून बचा के रखेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा भुन गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यखनी। यखनी मैंने ऐड कर दी है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक। 1.5 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि 2 चम्मच नमक हमने यखनी में पहले ही डाल चुके थे, इसमें 1.5 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसे ढककर उबाल आने तक का वेट करूंगी। ढककर हम उबाल आने का वेट करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैं चेक करूंगी। पानी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिए थे। याद रखें, जब हमारे पानी में उबाल आएगा हम तभी चावल ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। पानी कम लग रहा है इसलिए मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से रखें।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक नींबू का रस। नींबू का रस मैंने डाल दिया था। चावल को चला लेंगे और ढककर हम बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे चावलों को। चावल को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, मैं चेक कर लूँगी। चावल हमारे 90% पक गए हैं, थोड़ा सा पानी नीचे रह गया है, अब इसे मैं दम लगा दूँगी। मैंने हैवी बॉटम तवे पर रख दिया है, दम लगा दिया है बिरयानी को। 10 मिनट के लिए हम इसे स्लो आंच पर पकाएंगे। बिरयानी को मैंने दम पर रख दिया है। एक प्याली में मैं अजंता का केवड़ा एक ढक्कन भर के डालूंगी। ऑरेंज रेड फूड कलर यूज़ करेंगे क्योंकि देखनी पुलाव में हमारा यही कलर जाता है। कलर का कम यूज़ करें। 10 मिनट हो गए थे बिरयानी को दम लगे हुए, मैं चेक कर लूँगी। चेक करते हैं अपनी बिरयानी को। बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने कलर तैयार करा था केवड़े के साथ। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कलर कम ही जाएगा इसमें। जो मैंने खुशबू का पाउडर बनाया था एक टीस्पून अब यूज़ करेंगे हम। एक टीस्पून मैंने पकते टाइम यूज़ करा था, डाल दिया है। अब इसे चम्मच से हल्के से मिक्स करेंगे, चावल नहीं टूटना चाहिए हमारे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको शुरू से अब तक मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंजॉय करें हमारे रामपुरी पुलाव को, एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानें अगर आपने ये ट्राई करा आप एक बार मुझे सब्सक्राइब करने ज़रूर आएंगे।